झूम ऑन न्यूज मराठी प्रत्येक घरासाठी घरातील प्रत्येकासाठी। पक्षाचे प्रवक्ते क्लाइड क्रास्टो आणि संजय तटकरे जी, नेहमीच आपण मराठीमध्ये पत्रकार परिषद घेतो, पण आज हे व्यापक इश्यू असताना आधी आपण हिंदीमध्ये सगळी ब्रीफिंग करू, त्यानंतर मराठीमध्ये पण तीच माहिती आपल्याला आपण सादर करू। आपल्याला माहीत आहे की या देशामध्ये राजीव गांधीजी पंतप्रधान असताना राजीव गांधीजी देश के प्रधानमंत्री रहते हुए 23 अगस्त 1985 के दिन एक कानून पारित किया गया जिसे NDPS एक्ट कहा जाता है और जिसे 16 सितंबर 1985 के दिन तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जेल सिंह जी ने उसको मंजूरी देके इस देश में NDPS एक्ट को लागू करने का काम किया। इस एक्ट के लागू करने के समय जो इच्छा थी राजीव गांधी जी के मन में कि देश को नशे से मुक्त किया जाए, कानून बनाया गया कि जो नशीले पदार्थ उगाने वाले होंगे या प्रोड्यूस करने वाले होंगे या खरीदी बिक्री करेंगे या ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, वो सभी लोग इस कानून के दायरे में आएंगे। और जिसको लेके नेशनल एजेंसी बनाई गई, NCB नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और साथ ही साथ राज्यों को भी अधिकार दिया गया कि इस कानून के तहत वो भी समान कार्रवाई करेंगे, उनको भी अधिकार रहेगा। सेंट्रल एजेंसी बनाई इसलिए गई कि अगर सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट को अधिकार दिया जाएगा तो मल्टी स्टेट का जब मामला होगा तो जो भी केसेस होंगे उसे डील करने में कठिनाई होगी, या विदेश से कोई मामला होगा तो राज्यों के पुलिस के पास उतना अधिकार नहीं होगा कि वो मामलों को डील कर पाए। इसलिए राज्यों के साथ साथ केंद्रीय एजेंसी का भी गठन करने का काम किया गया और 1986 से लेके आज तक 36 सालों से लगभग इस देश में ये एजेंसी काम कर रही है। इस एजेंसी ने राज्य स्तरीय अंतर्राष्ट्रीय बहुत सारे रैकेट बस्ट करने का काम किया। इस एजेंसी का कामकाज 36 सालों में कभी भी संदेह के घेरे में नहीं रहा और देश के सभी नागरिक, सभी जागरूक नागरिक, सभी राजनीतिक दल हमेशा इस एजेंसी का सम्मान करते रहे और नशे की लत, नशे का कारोबार देश से खत्म हो, ये सबकी इच्छा है। महाराष्ट्र में भी महाराष्ट्र गोवा का एक जोनल ऑफिस है जो हमारे इसी बैलेट फेयर के इलाके में है। पिछले लगभग एक वर्ष से सारा मीडिया अपने पत्रकारों को विशेष NCB के लिए डिप्यूट करके रखा हुआ है। सुशांत सिंह की हत्या के बाद जिस तरह से सुशांत सिंह का मामला, जो आत्महत्या है, हत्या कहकर
बिहार में FIR दर्ज किया गया, ज्यूरिडिक्शन के बाहर FIR दर्ज हुआ। बिहार सरकार ने निर्णय लिया कि सुशांत सिंह आत्महत्या का मामला, जो वो सो कॉल्ड हत्या कर रहे थे, उसे CBI को सुपुर्द करने का काम किया गया। और उसके बाद खबरें आने लगी कि ड्रग के कारण उनकी हत्या की गई। उसी समय से जो जोनल ऑफिस है ये लाइमलाइट में आ गया, खबरें प्लांट की गई, फिल्म इंडस्ट्री को बदनाम करने का प्रयास किया गया और लगातार एक के बाद एक फिल्म वालों को सम्मन दे के बुलाया जाता। पहले कैमरा सारे सेट किए जाते और सारी खबरें लगातार बॉलीवुड को लेके चलते रहती और एक परसेप्शन बनाया गया कि पूरा बॉलीवुड, जो देश की फिल्म इंडस्ट्री मुंबई में है, ये नेक्सस हो गया है बॉलीवुड पूरे ड्रग रैकेट का। और उसी श्रृंखला में 3 तारीख की शाम में हम लोगों ने टेलीविजन पे खबरें देखी कि एक क्रूज लाइनर जो पहली बार भारत में शुरू हुआ, बीच पानी में उस पर NCB ने रेड कर दी। ये जो खबरें दिखाई गई उसके आधार पे मैं बोल रहा हूं। फिर गॉसिप शुरू हो गया कि एक मेगा स्टार के लड़के को डिटेन किया गया है। सारे चैनलों पे ये खबरें चल रही थी और उसी समय देश की एक एजेंसी है ANI, उन्होंने भी अपने फीड के जरिए कुछ वीडियोस रिलीज करने का काम किया, जिसमें जिन लोगों को डिटेन किया गया था उनको NCB कार्यालय में ले जाते हुए वीडियो रिलीज किया गया। उससे पहले एक वीडियो रिलीज किया गया जिसमें जोनल डायरेक्टर ये कह रहे हैं कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। मैं सबसे पहले एक वीडियो दिखा रहा हूं जिसमें शाहरुख खान के लड़के आर्यन खान को NCB ऑफिस में ले जाया जा रहा है। आप लोग देखें, फिर उसकी मैं डिटेल आपको दूंगा। जो हेयरलेस आदमी है उस को लेके जा रहा है, उसको उसकी वीडियो जरा प्ले करिए, आप दिखाइए, लाइट बंद करो। ये NI की फीड है, वीडियो चलाइए, वीडियो जरा हटो, हट जाओ, बैठो, वापस से रिवाइंड करो और प्ले करो। छोटा है फीड इसका, मैं आप लोगों को WhatsApp के जरिए पूरी फीड आपको दे दूंगा। फिर यही व्यक्ति एक सेल्फी के साथ फोटो वायरल हुआ, जो आर्यन खान के साथ जिसका फोटो है ये वायरल हो गया। फिर ANI ने दिल्ली के NCP के अधिकारियों के हवाले से एक खबर जारी की कि ये NCP का अधिकारी नहीं है, इसका NCP से कोई संबंध नहीं है। यही सबसे बड़ा सवाल है कि ये व्यक्ति कौन है। अगर ये NCP का अधिकारी नहीं
तो इस व्यक्ति को, एक व्यक्ति जिस पे आरोप है कि वो ड्रग इस्तेमाल करता है या उसके पोजीशन में ड्रग मिला तथा कथित, उसे वो घसीटते हुए, लाइट चालू करो, घसीटते हुए एनसीबी कार्यालय में कैसे ले जा रहा था, ये एनसीबी को बताना पड़ेगा कि इसका और एनसीबी का क्या कनेक्शन है। दूसरा एक वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, जो दूसरा एक आरोपी है अरबाज सेठ मर्चेंट, उसे भी एनआई ने फीड रिलीज की, जिसको एक व्यक्ति पकड़ के एनसीबी कार्यालय में ले जा रहा है। शुरू से लगा, शुरू से ये आदमी को देखिए जो लाल शर्ट पहना हुआ, फिर बताऊंगा। जो मरून शर्ट वाला है, मैं इसको दे देता हूं, आपको देख लेना आप लोग दोनों फीड। ये एनआईए एजेंसी ने जारी करने का काम किया है। पहले वाले से एनसीबी ने कहा कि हमारा कोई ये अधिकारी नहीं है। पहले वाले का नाम है केपी गोसावी। जो दूसरा वाला व्यक्ति है जो अरबाज को ले जा रहा है, उसका नाम है मनीष भानुशाली। ये भी एनसीपी का अधिकारी नहीं है, ये भारतीय जनता पार्टी का उपाध्यक्ष है। इसकी प्रोफाइल पे जो जो फोटो है लोगों को दिखाने का काम करो, मनीष भानुशाली का। मनीष भानुशाली और फोटो, नेक्स्ट नेक्स्ट, राष्ट्रीय है, मुंबई का है, ये बीजेपी बताएगी। उपाध्यक्ष लिखा हुआ है उसके प्रोफाइल पे। इन महाशय के फोटो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो अमित शाह जी के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो देवेंद्र फडणवीस के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो गुजरात के कई मंत्रियों के साथ हैं। मनीष भानुशाली के फोटो आशीष सेलार के साथ हैं, नड्डा साहब के साथ है, केंद्रीय मंत्री रेल राज्य मंत्री के साथ है। एनसीबी को बताना पड़ेगा कि मनीष भानुशाली लाइट के और एनसीबी के क्या रिश्ते हैं। दो हाई प्रोफाइल एक्यूज, एनसीबी ने दावा किया कि क्रूज पे हमने छापा मारा, 3 दिन तक प्लानिंग चलती रही, 26 अधिकारियों के जरिए रेड की गई और जोनल ऑफिसर ने स्टेटमेंट दिया था कि हमने 8 से 10 लोगों को डिटेन किया है। उनकी भी बाइट है, मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूं। बाद में खबर आई कि 8 ही आदमी थे। एक अफसर जो पूरी तरह से रेड को मॉनिटर कर रहा है, वेग स्टेटमेंट करता है कि 8 से 10 लोग थे। या तो 10 लोग रहे होंगे, 2 लोगों को छोड़ा गया, या 8 ही लोग थे, किसी और 2 लोगों को फ्रेम करने की साजिश एनसीबी ने की थी, ये स्पष्ट हो रहा है। और कुछ चीजें हैं, पहले वो बता देता हूं, फिर चीजों को फिर विस्तार से एक्सप्लेन करता हूं। जब ये सारा मामला शनिवार रविवार को टेलीविजन पे चल रहा था, रविवार को 8:30 बजे एनसीबी ने कुछ फोटोग्राफ और एक वीडियो रिलीज किया है क्राइम रिपोर्टर्स को। यह है वो फोटो, ये सारे फोटो कई चैनल पे चलाए गए। क्लेम किया गया कि इसमें चरस है, क्लेम किया गया कि इसमें कोकीन है, और फोटो क्लेम किया गया कि इसमें कोई केमिकल की टेबलेट्स है, और ये हमने सीज किया है।
किसी भी रेड में सीजर करते समय उसका एक प्रोसीजर है, एनडीपीएस एक्ट में भी प्रोसीजर है। खबरें प्लांट की गई कि क्रूज से हमने पकड़ा है, लोगों के पास से हमने ये बरामद किया है। ये कोई भी मामला जो सैंपल के फोटो जारी किए गए, ये दिल्ली के एनसीपी से लोगों को जारी किया गया है। ये फोटो किसी क्रूज के नहीं है, ये फोटो किसी क्रूज टर्मिनल के नहीं है, ये फोटो जोनल डायरेक्टर के केबिन के अंदर के फोटो हैं। उसकी भी एक छोटी वीडियो आपको दिखाता हूँ। वीडियो चला, वीडियो किसी भी सीजर का एक प्रोसीजर है कि जहां पे छापेमारी हो, लाइट चालू करो, छापेमारी हो वहां पे पंचनामा बनाया जाए, जो भी सीज मटेरियल है उसे सील किया जाए, सील करके स्ट्रांग रूम में रखा जाए, और ज़रूरत पड़े अगर सैंपलिंग को भेजना है तो ये मैजिस्ट्रेट के सामने परमिशन से खोल के सैंपलिंग की जाए और मैजिस्ट्रेट के सामने सील किया जाए। ये सारे वीडियो और फोटो ये बताते हैं कि क्रूज पे कोई भी सीजर नहीं हुआ। ये सारे वीडियो फोटो बताते हैं कि ये वीडियो जोनल डायरेक्टर के कार्यालय का है, या तो ये पूरा मामला फर्जी बनाया गया है, पब्लिसिटी के लिए बनाया गया है, मामला न्यायालय में है। जिनके खिलाफ मामला है वो कोर्ट के सामने अपने तथ्य रखेंगे। लेकिन पहला सवाल मेरा ये है एनसीबी से कि मिस्टर गोसावी का जोनल डायरेक्टर से क्या रिश्ता है, ये उसको खुलासा करना पड़ेगा। अगर एनसीपी कहती है कि ये एनसीपी का अधिकारी नहीं है, तो किस तरह से दो हाई प्रोफाइल एक्यूज को ये हैंडल कर रहे थे। मनीष भानुशाली ये एनसीपी का अधिकारी नहीं, फिर ये दूसरे हाई प्रोफाइल जो एक्यूज है उसको कैसे हैंडल कर रहा था। सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी को अधिकार है कि प्राइवेट लोगों को हायर करके या उनकी मदद से रेड की जाए। अगर है तो किस कानून के तहत, इसका भी खुलासा एनसीपी को करना पड़ेगा। हमारा सीधा आरोप है कि पिछले एक साल से भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार को, मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री को, बॉलीवुड को बदनाम करने के लिए फर्जीवाड़ा रच रही है, और पूरा 3 तारीख का ड्रामा ये फर्जी है। और श्री मनीष भानुशाली, इनका प्रोफाइल अभी उन्होंने लॉक कर दिया है। कल शाम से गोसावी का प्रोफाइल लॉक है, लेकिन मनीष भानुशाली के हमने 2 दिन में उसकी जो मूवमेंट है हमने निकाली है। 21 तारीख के दिन मनीष भानुशाली ये दिल्ली में था, कुछ मंत्रियों के घर पे। 22 तारीख को मंत्रालय में गांधीनगर में ये रहा। 28 तारीख तक गांधीनगर के मंत्रालय में लगातार इसकी बैठकें होती रही। और ये 21-22 तारीख की तारीख बहुत इम्पोर्टेंट है। भानुशाली 21-22 तारीख की तारीख इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मुंद्रा पोर्ट पे गुजरात में 3,000 करोड़ के 27,000 करोड़ मुझे पता नहीं, लेकिन एक बड़ा अफगानिस्तान से ड्रग का कंसाइनमेंट पकड़ा गया। तो मनीष भानुशाली दिल्ली में किससे मिल रहा था, मनीष भानुशाली गुजरात में किन मंत्रियों के साथ बैठा था, 28 तारीख तक मनीष भानुशाली गुजरात के मंत्रालय में क्या कर रहा था, 28 को फिर बम्बई आता है, फिर 1 तारीख के दिन फिर गुजरात में मंत्रालय में जाकर राणा नाम के एक मंत्री है उनके साथ बैठक करता है,
और 3 तारीख को छापेमारी में लोगों को गिरफ्तार करता है। ये सारे सवाल के जवाब हमें लगता है कि एनसीपी को देना पड़ेगा। पूरा एनसीपी का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी लोगों को बदनाम करने के लिए, अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को छापेमारी करवाने के लिए, जो लोग उनके खिलाफ है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। हमने सवाल खड़े किए हैं कि मनीष भारूसाली का गुजरात ड्रग का क्या कनेक्शन है, एनसीबी बताए। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उनका उपाध्यक्ष राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जो मोदी जी के एक्सेस है, जिसे अमित शाह जी का एक्सेस है, जेपी नड्डा का एक्सेस है, और मनीष भालूसाली को कौन सी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने दी है, ये दोनों लोगों को खुलासा करना पड़ेगा कि एनसीपी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, भारतीय जनता पार्टी का भानुशाली का क्या कनेक्शन है, और जो भी पिछले 1 साल में मुंबई शहर में बैठकर एनसीपी कर रही है, सारा फर्जीवाड़ा करके लोगों को बदनाम किया जा रहा है। जितने भी मामले बनाए गए फिल्म वालों को टारगेट करके पब्लिसिटी लूटी गई, लगातार सारा देश का मीडिया अलग अलग लोगों को पूरी तरह से मीडिया ट्रायल करता रहा। मैं उम्मीद करता हूं कि आज सवाल जो मैंने उठाए हैं ये देश की जनता के सामने जाएंगे, और भारतीय जनता पार्टी का एनसीपी पे क्या प्रभाव है, एनसीपी के लोग प्राइवेट लोगों के जरिए लोगों को गिरफ्तार किस तरह से करा रहे हैं, इसका खुलासा बीजेपी और एनसीपी को करना होगा। और ये शुरुआत है, बहुत सारी चीज़ें एनसीपी को लेके हैं, समय समय पे चीज़ें मैं आपके सामने रखूँगा। और आप पत्रकारों से भी विनंती करता हूँ, खास करके क्राइम रिपोर्टर से, कि कोई अधिकारी फिट कर दे वो सच है ये मानकर आप खबरें ना चलाएं। कुछ तहकीकात आपको भी करनी है कि ये सच कितना है, झूठ कितना है। ये सारा मामला 3 तारीख का फर्जीवाड़ा है, गुजरात ड्रग कनेक्शन से भी कुछ कनेक्शन है, एनसीपी भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ मिलके लोगों को गिरफ्तार कर रही है, और ये जो सारे एविडेंस हैं मैं आपको व्हाट्सएप के जरिए सारी चीज़ें देता हूँ। और गोसावी ये क्लेम करता है कि ये प्राइवेट डिटेक्टिव है, गोसावी क्लेम करता है कि ये कोलालमपुर में रहता है। अब इतना बड़ा सब इंटरनेशनल कनेक्शन है, हमें लगता है कि दिल्ली के एनसीपी के मुखिया जो सवाल हमने खड़ा किए हैं उसका खुलासा करेंगे। अगर खुलासा नहीं करते हैं तो और सवाल कुछ दिनों में हम उनके सामने रखने का काम करेंगे। सर, एक चीज यहाँ पर यह है कि ये भी सवाल उठेगा कि चूंकि आपके दामाद को भी गिरफ्तार किया गया था, इस वजह से जानबूझकर चाहे आप या पार्टी के नाम पर एनसीपी को टारगेट किया जा रहा है, एक चीज और। पहले उसका जवाब ले लीजिए, बहुत इंटेलिजेंट सवाल है आपका। 13 जनवरी के दिन 12 जनवरी को रात में हमारे दामाद को एक सम्मन आया, 13 जनवरी को कॉल किया गया, सुबह 10 बजे बुलाया गया था, 10:15 बजे वो हाजिर हुए, और ऐसे सारे कैमरे लगे थे और उस समय भी खबरें प्लांट की गई। मुझसे पूछा गया कि आपका क्या रिएक्शन है, मैंने पहले दिन कहा था कि कानून से ऊपर कोई नहीं, चाहे वो मेरा दामाद हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई पत्रकार हो, और देश की न्यायपालिका पे मेरा पूरा विश्वास है। आपको जानकारी दे दूं कि 10 दिन पहले न्यायालय ने उसे जमानत दी है। आप लोगों ने खबरें चलाई थी कि मंत्री का दामाद गिरफ्तार हुआ, आपकी जिम्मेदारी थी कि चार्जशीट आप देखते, आरोप लगाया गया था 200 किलो गांजा का, किसी और के पास मिला था, चार्जशीट देखिए उसमें क्या है, और जो बेल की डिबेट हुई है उसके ऑर्डर भी निकालने का प्रयास कीजिए। मैं आज उस पर कोई खुलासा करने के लिए नहीं बैठा हूँ। उस दिन भी मैंने कहा था कि देश की न्यायपालिका पे मुझे विश्वास है, मुझे विश्वास है कि इस फर्जीवाड़े में भी जिन लोगों ने कानून का दुरुपयोग किया है, अगर जो गुनहगार है, चाहे मेरा दामाद होगा, अधिकारी होगा, पत्रकार होगा, सभी लोगों को भारतीय न्याय व्यवस्था में दंडित होने का
उनको कानून के तहत जिम्मेदार हो सकते हैं। न्यायालयीन लड़ाई है और वो न्यायालयीन लड़ाई वो लोग लड़ रहे हैं और वो सारी चीज़ें आपका भी कर्तव्य बनता है कि चार्जशीट देखें। वन बाय वन वन बाय वन मैं एक घंटा बोलूँगा। वन बाय वन जरा आप रुकें। वन बाय वन अभी देखिए कार्रवाई हो ऐसी मेरी कोई मांग नहीं। सबसे पहले जिन चीज़ों को मैंने आपके सामने रखा है कि गोसावी किस तरह से आर्यन को गिरफ्तार करके एनसीबी ऑफिस ले जा रहा था, कौन से अधिकार के तहत, इसका खुलासा एनसीबी करे। भानुशाली अरबाज को गिरफ्तार करके ले जा रहा था, कौन से अधिकार के तहत, एनसीबी इसका खुलासा करे। और बीजेपी के नेताओं को क्या एनडीपीएस एक्ट के सारे जो कानून के इम्प्लीमेंट करने के अधिकार है क्या उन्हें दे दिए गए हैं, इसका खुलासा एनसीबी करे। सामने जो चेयर रखी है उस पे रख के सारी वीडियो बनाए गए, फोटो बनाए गए, जो के प्रोसीजर ऑफ सीजर के तहत अगर किसी जगह पे रेड होती है तो वहीं पंचनामा किया जाता है। कोई पंचनामा वहाँ नहीं हुआ, कोई माल नहीं मिला, फ्रेम करने के लिए फर्जीवाड़ा रचने का काम एनसीबी ने किया है। देखिए मिस्टर गोसावी जो है ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। गोसावी के ऊपर पूना में पूना मिरर की खबर है, 2018 में मुकदमा दर्ज है फ्रॉडुलेंस का। गोसावी ने अपने स्टेटस पे वानखेड़े के साथ जो फोटो थी उसे हटा दिया है। रविवार के दिन डिनाइल के बाद बहुत सारे स्टेटस बदले गए हैं। निश्चित रूप से एनसीबी खुलासा नहीं करेगी। तो प्राइवेट लोग लोगों को किस तरह से गिरफ्तार कर रहे हैं जांच का विषय है, देखते हैं एनसीबी क्या करती है। निश्चित रूप से अगर कोई लोग उगाही करने के लिए प्राइवेट लोग हाई प्रोफाइल लोगों को गिरफ्तार करेंगे, पकड़ के ले जाएंगे, तो किस अधिकार में है एनसीबी बताए। नहीं होगा तो निश्चित रूप से जांच करके जो गुनहगार होगा कार्रवाई होगी। साहब देखिए ये सारी मेरी जानकारी नहीं, जरा सुनिए आप, मुंबई पुलिस हो जितनी मदद मांगेगी एनसीपी 1000 की बटालियन हम भेजने के लिए तैयार हैं, लेकिन गोसावी और भानुशाली को किस के अधिकार में बुलाया गया इस सवाल को मैं पूछ रहा हूँ, इसका खुलासा हम चाहते हैं। देखिए जितनी मेरी जानकारी है, सबसे मूल बेसिक सवाल है कि भानुशाली और गोसावी किस कैपेसिटी में लोगों को गिरफ्तार करके ले जा रहे थे, ये मेरा बेसिक सवाल है। और दूसरा बेसिक सवाल है कि जो सीजर बताया गया वो सारे फोटोग्राफ एनसीबी कार्यालय में उतारे गए कि या प्रोसीजर में सही है। अगर क्रूज पे
या टर्मिनस पे सीजर हुआ है तो वहाँ का पंचनामा कहाँ है, ये सारे चीज़ों को हमने सवाल खड़ा किए हैं, इसका खुलासा एनसीबी को करना पड़ेगा। साहब जरा सुनिए, 3 तारीख के दिन खबरें चली, 4 तारीख के दिन पेशी हुई और कुछ चीज़ों को ढूंढने में कोई हम लोग IB NIA CBI कोई अथॉरिटी नहीं है। कुछ लोगों ने जब डिनाइल हुआ ये गोसावी NCP का अधिकारी नहीं, तो हमारे कुछ लोगों ने बहुत सारी चीज़ें जुटाई और जुटाने के बाद आज 6 तारीख है, 2 दिन में हमने खुलासा किया। खुलासा 4 साल के बाद भी हो सकता है, सवाल इम्पॉर्टेंट है, 2 दिन बाद क्यों किया, जानकारी मिलेगी तब हम खुलासा करेंगे। अभी बहुत सारे खुलासे धीरे धीरे होंगे और उसका भी जवाब आपको NCP से लेना होगा। कहाँ पे मैंने नहीं कहा, नहीं मैंने ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, वी आर ऑलवेज टेलिंग ऑन द रिकॉर्ड, हम कभी भी ऑफ रिकॉर्ड कोई खबर प्लान नहीं करते, जो ऑफ द रिकॉर्ड खबर प्लान करता है उनसे जाके पूछिए। या देशामध्ये दिवंगत राजीव गांधी जी पंतप्रधान असताना 1985 साली NDPS एक तयार करण्यात आला आणि त्याच्या मागचा उद्देश होता की या देशामध्ये जे ड्रग है ज्यामुळे तरुण पिढी कुठेतरी बर्बाद होता है त्यांना याच्यापासून वाचवण्यासाठी कायदा करण्यात आला, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली, त्या कायद्याचे अधिकार राज्य सरकारांना पण देण्यात आले अंमलबजावणीचे, आणि या ड्रग केसेस मल्टी स्टेट असेल आंतरराष्ट्रीय असेल त्याला डील करण्यासाठी नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्युरो हे गठित करण्यात आला। गेल्या 35-36 वर्ष या देशामध्ये ही एजन्सी काम करत आहे, चांगल्या पद्धतीने या एजन्सीने या क्षेत्रामध्ये कामा केलेली आहे। या एजन्सीच्या बाबतीत कधीही कुठलेही प्रश्नचिन्ह निर्माण करण्यात आला नाही, प्रत्येक लोक या एजन्सीचा आदर करत राहिलेले आहे। गेल्या 1 वर्षापासून सुशांत सिंगच्या आत्महत्या झाल्यानंतर त्याचा गुन्हा ज्युरिडिक्शन नसताना बिहारमध्ये दाखल करण्यात आला, बिहार सरकारने निर्णय घेऊन तो खटला CBI वर्क केला, 1 वर्ष अधिक उलटून गेले, हत्या आहे की आत्महत्या अजून CBI खुलासा केलेला नाही। मग अचानक NCP ड्रगमुळे ही हत्या झाली आणि NCP रिया चक्रवर्ती असतील अनऑफिशियली बातम्या प्लॅन केले की संपूर्ण बॉलिवूडमध्ये ड्रग हा नेक्सस झालेला आहे, काही फिल्म इंडस्ट्रीच्या लोकांना संबंध देऊन बोलवण्यात आला आणि वर्षभरापासून बॉलिवूड हे ड्रग नेक्सस आहे अशी बातम्या पेरण्याची सुरुवात झाली। याच्या मागचा उद्देश एकच होता की मुंबईला बॉलिवूडला महाराष्ट्राला बदनाम करण्याचा कट कारस्थान हे भाजपकडून सुरू झालेलं आहे। 3 तारखेला सगळ्या चॅनलवर बातम्या सुरू झाली, क्रूजवर NCP रेड केलेलं आहे आणि काही लोकांना ताब्यात घेण्यात आलेलं आहे। त्या 3 तारखेच्या मध्यरात्री शाहरुख खानचे चिरंजीव आर्यन खान यांना अरेस्ट करून एक व्यक्ती हा NCP कार्यालयामध्ये घेऊन जात आहे असे व्हिडिओ
ANI जारी केल्यानंतर ते सगळ्या चॅनलवर प्रसारित करण्यात आले. त्यानंतर एक सेल्फीचा फोटो, तोच व्यक्ती जो आर्यनला घेऊन जात होता तो फोटो व्हायरल झाल्यानंतर NCP दिल्लीने सांगितलं हे आमचा अधिकारी नाही. त्याचबरोबर दुसरा जो को ॲक्युज है अरबाज सेठ मर्चंट, त्याला अरेस्ट करून घेऊन NCP कार्यालयामध्ये जात असताना भानुसाली नावाचा, मनीष भानुसाली नावाचा ग्रस्त पण ANI फीडमध्ये दिसतोय. एक ठिकाणी ANI सांगताय की हा KP गोसावी ज्याचं नाव आहे हा NCP कुठला अधिकारी नाही. मग तो त्यांना घेऊन NCP कसा जाताय खेचत, आणि मनीष भानुसाली हे अरबाजला घेऊन कसा NCP ऑफिसमध्ये जातो, याचा खुलासा आम्हाला NCP अपेक्षित आहे. हा मनीष भानुसाली हा भारतीय जनता पक्षाचा उपाध्यक्ष आहे असा त्यांच्या स्टेटसवर आहे. त्यांचे फोटो पंतप्रधान मोदी साहेब सोबत आहे, देशाचे गृहमंत्री यांच्यासोबत आहे, महाराष्ट्रचे माजी मुख्यमंत्री यांच्यासोबत आहे, भाजप नेते आशिष शेलार सोबत आहे, भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा साहेब सोबत आहे, दानवे साहेब जे रेल राज्यमंत्री आहेत त्यांच्यासोबत आहे, राणा केंद्रीय मंत्री त्यांच्यासोबत आहे, राणे साहेब सोबत आहे. मग हा भाजपचा नेता आहे हे सिद्ध आहे. मग भाजपच्या नेत्यांद्वारा हे कारवाई होते का या राज्यात, यांचा NCP काय संबंध आहे याचा खुलासा NCP केलं पाहिजे. आणि ज्या दिवशी 4 तारखेला 8:30 ते 9 दरम्यान NCP जे सीज केलेलं आहे त्याचे काही फोटोग्राफ आणि एक छोटा व्हिडिओ हे मीडिया ग्रुपमध्ये क्राईम रिपोर्टरला दिलं होता, हे सांगण्यात आलं आहे की हे सीजर आम्हाला या 3 लोकांकडून आम्ही केलेलं आहे. हे सीजर कुठल्याही छापेमारी झाल्यानंतर सीजरची एक प्रोसिजर आहे, जो काही ते रिकवरी होते त्याला सील केलं पाहिजे, त्याच ठिकाणी पंचनामा करून पंचाचे सह्या घेतले पाहिजे. पण हे फोटो क्रूजवरचे नाही, हे फोटो क्रूज टर्मिनलवरचे नाही, हे फोटो झोनल डायरेक्टरच्या कार्यालयातल्या एक खुर्शीवरचे फोटो आहे. तिथून हा फोटो मीडियाला सर्क्युलेट करण्यात आला, हे फोटो काही राष्ट्रीय चॅनलनी दाखवले, म्हणजे एक तरी तिकडे कुठलेही सीजर किंवा रिकवरी झालेली नाही, स्वतः रिकवरी दाखवत आहे स्वतःच्या कार्यालयामध्ये, म्हणजे कुठलेही प्रकारची रिकवरी नसताना या लोकांना बदनाम करण्यासाठी जे गेली 1 वर्षापासून फिल्म इंडस्ट्रीला बदनाम करताय त्यासाठी हे सगळे प्लॅन करून कारवाई झालेली आहे. मनीष भानुसाली हे यांचा गुजरात ड्रग कनेक्शन काय आहे याचा पण खुलासा NCP आम्हाला अपेक्षित आहे. कारण मनीष भानुसाली हे 22 तारखेला दिल्लीमध्ये केंद्रीय मंत्र्यांच्या सोबत होते. मनीष भानुसाली 22 तारखेला गुजरातच्या मंत्रालयामध्ये काही मंत्र्यांसोबत अधिकाऱ्यांसोबत होते, 28 तारखेपर्यंत ते तिकडे राहिले आणि त्याच काळामध्ये मुंद्रा इथे 3,000 कोटी असेल की 27,000 कोटी मला माहीत नाही, पण सीजर झाला होता याचा मनीष भानुसालीचा काय कनेक्शन आहे याचा पण खुलासा NCP केलं पाहिजे. त्याबाबतीत कुठलेही प्रेस रिलीज निघत नाही. मग तोच मनीष भानुसाली 28 तारखेला मुंबईला येतो, 1 तारखेला पुन्हा अहमदाबादला जातो, 3 तारखेला रेडमध्ये सामील होतो, स्वतः अरबाजला तो अरेस्ट करून कार्यालयामध्ये घेऊन जात आहे. म्हणजे भाजपचे लोक NCP कायद्याचा अधिकार घेऊन हे कारवाया करताय याचे खुलासे आम्हाला NCP पाहिजे. आणि भाजपचा हा नेता आहे त्याचे फोटो आहे, मनीष भानुसाली हा भाजपच्या कुठल्या पदावर आहे, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आहे, कारण राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवाय
मोदी साहेबांसोबत याचे फोटो येऊ शकत नाही. नड्डा साहेबांच्या ऑफिसमध्ये याचे फोटो आहे. किंवा माधवराव शिंद्याचे चिरंजीव जेव्हा हे भाजपमध्ये प्रवेश घेत होते त्या दिवशी पण मनीष भानुसाली मीडियाशी संवाद साधत होता. आमचं एकच म्हणणं आहे की भाजपने या मनीष भानुसाली कुठल्या पदावर आहे याचा खुलासा केला पाहिजे आणि या सगळ्या कारवाई करत असताना कुठल्या अधिकाराखाली त्यांनी कारवाई केली हे NCBने खुलासा केला पाहिजे. हे आमचा स्पष्ट प्रश्न आहे. बघा आता हे गोसावी यांचा काय संबंध आहे हे पहिले त्यांनी खुलासा केलं पाहिजे. पण हा KP गोसावी हे फ्रॉड आहे. याच्या फेसबुक स्टेटसवर प्रायव्हेट डिटेक्टिव्ह असा दाखवत आहे. ज्या दिवशी NCBने खुलासा केला हा आमचा अधिकारी नाही त्याआधी त्याच्या स्टेटसवर झोनल डायरेक्टरसोबत फोटो होता. आता स्टेटस त्यांनी लॉक केलेला आहे. त्या स्टेटसवर बाउन्सर घेऊन एक फोटो त्यांनी टाकून ठेवलेला आहे. तो KP गोसावी गाड्या घेऊन फिरताय. त्या गाडीमध्ये समोर पोलीसच्या पाठी लावून पण फिरताय. बंदुका घेऊन फोटो काढून व्हॉट्सअपवर टाकताय. आणि हा KP गोसावी याच्यावर पुण्यामध्ये या फराजखाना पोलीस स्टेशनमध्ये फ्रॉडचा एक गुन्हा दाखल आहे. ते पुणे मिररची बातमी आहे. निश्चित रूपाने या दोन खाजगी लोकांच्या माध्यमातून महाराष्ट्रामध्ये प्रायव्हेट लोकांवर कारवाया होत आहे. खंडणी रॅकेट सुरू आहे काय? अधिकारी यांच्या माध्यमातून वसुली करताय काय? हे सगळे प्रश्न आहे. आज जे आम्ही प्रश्न विचारतो या दोघांच्या बाबतीत NCBने खुलासा केला पाहिजे आणि टप्प्याटप्प्याने या NCP ज्याची एक प्रतिष्ठा होती गेली 35 वर्ष या वर्षभरामध्ये या कार्यालयाचा राजकीय वापर झाला. लोकांना बदनाम करण्यासाठी याचा वापर झाला. खंडणी वसूल करण्यासाठी झाला. लोकांच्या मनात भीती निर्माण करण्यासाठी झाला. टप्प्याटप्प्याने आणखीन खुलासे मी स्वतः करणार आहे. काही पत्रकारांनी मला विचारलं की तुमच्या जवाईवर कारवाई झाल्यानंतर तुम्ही आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेताय. 13 तारखेला माझ्या जवईला बोलवण्यात आला संबंधद्वारे. 12 जानेवारीला रात्री 10 वाजता संबंध मिळाल्यानंतर 10:00 ची वेळ होती. 9:45 तो हजर झाला. नंतर त्यांना अटक करण्यात आला. त्या दिवशी मला पत्रकारांनी विचारल्यानंतर माझी प्रतिक्रिया होती की कायदेपेक्षा कोणी मोठा नाही. तो माझा जवाई असेल, अधिकारी असेल, पत्रकार असेल आणि या देशातले लोक शाहीमध्ये न्यायव्यवस्थेवर माझे पूर्ण विश्वास आहे. पत्रकार विचारत होते, मी त्यांना इतकंच बोलू इच्छितो की 8.5 महिन्यानंतर त्याचा बिल झालेला आहे. चार्जशीट दाखल झालेली आहे. 4 दिवस सगळ्यांनी इतका बातम्या चालवल्या आहे. चार्जशीटमध्ये काय आहे त्याचा पण तपास या लोकांनी घेतला पाहिजे. कुठल्याही सबस्टेन्स निघालेच नाही. मी त्याचा खुलासा करत नाही. आता न्यायालयामध्ये तो विषय आहे. न्यायव्यवस्थेवर माझा विश्वास आहे. ते स्वतः न्यायालयीन लढा लढतील. पण आमच्यावर कारवाई झाल्यानंतर जवाईवर मी कधी खुलासा केला नाही. त्याबाबतीत कुठलेही स्टेटमेंट काढले नाही. न्यायपालिकेवर माझा विश्वास आहे, मी सांगितलेला आहे. पण गेले 4 दिवस ज्या पद्धतीने फर्जीवाडा सुरू आहे, प्रायव्हेट लोक अधिकारी बनून कारवाया करताय, बंदुका घेऊन फिरताय, गाडीमध्ये पोलीसचा स्टिकर लावताय, ते NCP कार्यालयामध्ये लोकांना पकडून घेऊन जात आहे, म्हणजे या दोघांना कुठले अधिकार NCBने दिलेले आहे याचा खुलासा NCBने केलं पाहिजे. आणि निश्चित रूपाने आणखीन काही गैरकायदेशीर बेकायदेशीर विषय असेल तर राज्याच्या गृह खात्याची पण जबाबदारी याच्या बाबतीत त्यांनी लक्ष घाललं पाहिजे. बघा हे सगळं खुलासा आता NCBने केलं पाहिजे. आता हे दोन व्यक्ती प्रायव्हेट आहे, यांचा इन्व्हॉल्वमेंट याच्यात आहे. NCBने खुलासा केला पाहिजे आणि हे दोन लोक
या पद्धतीने बोगस पोलीस बनून बोगस एनसीपीचे अधिकारी बनून फिरत असतील तर निश्चित रूपाने इन्क्वायरी करून त्यांच्यावर कारवाई झाली पाहिजे। नहीं नहीं उसका फ्रॉड है, वो फ्रॉड का लिंक दिखा दो, मैं आपको लिंक दे देता हूँ सबको। पुणे मिरर में एक खबर है, उसमें लिंक है फराज खाना पुलिस स्टेशन पूना का, जिसमें एक मुकदमा दर्ज है 2018 में फॉरेन भेजने के लोगों से पैसे उगाही की थी, उसका लिंक मैं आपको हैंडओवर करता हूँ। और निश्चित रूप से ऐसे फ्रॉड एनसीबी के अधिकारी बने हुए हैं, तो कुछ ना कुछ बड़ा गड़बड़ घोटाला महाराष्ट्र के एनसीबी के जोनल ऑफिस में चल रहा है, ये इससे स्पष्ट है। नहीं भाजपचा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है कि राज्याचा उपाध्यक्ष है मला माहित नाही, पण या कारवाई मध्ये भाजपचे नेते आहे ते अरबाज सेठ यांना अटक करून घेऊन जाताना दिसतंय। आता भाजपचे लोक एनसीबी अधिकारी बनून कारवाया करता है, ज्या नेत्यांचे फोटो पंतप्रधान पासून गृहमंत्री रेलमंत्री जेपी नड्डा माजी मुख्यमंत्री आशिष शेलार या सगळ्यांसोबत सोबत फोटो असताना हे कुठल्या अधिकाऱ्यांनी कारवाई करत दिसताय, म्हणजे भाजपचा हा शाखा झालेला आहे का, हे प्रश्न निर्माण होत आहे। आता जे प्रश्न मी निर्माण करतो या बाबतीत एनसीबीने खुलासा केला पाहिजे। देखिए मैं आपको फिर देखिए ऐसा है, नहीं जरा सुनिए, नहीं सुनिए, जो एंटी नारकोटिक सेल है बड़े पैमाने पे उनकी भी कार्रवाई होती रहती है, गुना दाखिल होता है, लोगों को अरेस्ट होता है, मुकदमे दर्ज होते हैं, कन्विक्शन भी होता है, लेकिन उसमें नहीं, एक मिनट जरा रुकिए ना, लेकिन उसमें कभी पब्लिसिटी का काम एटीएस एंटी नारकोटिक सेल ने किया नहीं। यहाँ जो मैंडेट है मल्टी स्टेट के कुछ केसेस है उसमें ध्यान देना, यहाँ मैंडेट है कि इंटरनेशनल को रैकेट बस्ट करना, यहाँ कंज्यूमर जो फिल्म में हो सकता है कि वो एडिक्ट हो ऐसे लोगों को पकड़ा जाता है, पब्लिसिटी कराई जाती है, ऐसे केसेस में मैंडेट है कि ये सारे केसेस लोकल यूनिट को हैंडओवर करना चाहिए, लेकिन पब्लिसिटी के सिवा एनसीपी का कोई काम नहीं। जो मैंडेट है मल्टी स्टेट रैकेट आज तक कोई बस्ट नहीं किया, जो मैंडेट है इंटरनेशनल रैकेट कोई बस्ट नहीं हुआ, और आपको जो हमारा एंटी नारकोटिक सेल है उसके जितने केसेस दो साल में हुए हैं उसकी जानकारी लेके मैं मीडिया को देने के लिए कहूँगा। नहीं तो आर्यन खान को पकड़ा गया वो केस सही है कि गलत, हमारी जानकारी से फर्जीवाड़ा है, पिछले कई दिनों से ये क्राइम रिपोर्टर को सर्कुलेट किया जा रहा था कि नेक्स्ट टारगेट शाहरुख खान है, अगर कुछ पत्रकार अंदर उनका जमीर है तो हमें लगता है पत्रकारों को ये जानकारी है, हाँ सर्कुलेट किया है, नहीं बोलते हैं तो मैं क्या करूँ, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड बोलते हैं कि अगला टारगेट शाहरुख खान होने वाला है, पिछले एक महीने से ये खबरें सर्कुलेट की जा रही थी। देखिए ऐसा है पब्लिसिटी ये एनसीपी का बड़ा खेल हो गया, पडुकोन को लेके पब्लिसिटी मिली, हमें लगता है इससे बड़ा पब्लिसिटी का कोई भी हथियार नहीं हो सकता, और शाहरुख खान का बीजेपी का क्या रिश्ता है आप लोग को पता है, जो भी असंतुलता पे कुछ बात करता है तो उसको हम ठीक कर देंगे, इस तरह की बातें होती रही है, वो गुनहगार है ये कहा जा रहा है कि वो एडिक्ट है, लंदन में एडिक्शन था, दुबई में एडिक्शन था, हो सकता है एडिक्ट होगा, लेकिन ये जो मामला बनाया गया है ये पूरी तरह से पब्लिसिटी
और फर्जीवाड़ा है। जिन दो प्राइवेट लोगों का इस्तेमाल किया गया है वो गैर कानूनी है, उसका खुलासा एनसीबी करे, हम मांग करते हैं। थैंक यू। जूम ऑन न्यूज मराठी, प्रत्येक घरासाठी, घरातील प्रत्येकासाठी।